नहीं नहीं आज आए और कल टिकट दे दें, और जो कार्यकर्ता 5 साल से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर रहा है अजय जी, नहीं अजय जी, अजय जी आज आए और कल टिकट दे दें, और जो कार्यकर्ता 5 साल से दरी बिछा रहा है वो देवतुल कार्यकर्ता, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी कोई महत्ता नहीं है। बिल्कुल महत्वता है, हर कार्यकर्ता की महत्वता है, हर कार्यकर्ता का समायोजन भी होता है। मैं भी जनता दल यूनाइटेड छोड़ के आया था, मुझे निकाल दिया गया था, पिछले साल मैंने ज्वाइन किया, 1 साल हो गया मुझे पार्टी ज्वाइन किए हुए। मैं भी तो चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, अभय जी भी तो चुनाव नहीं लड़ना है क्या? चुनाव पार्टी ज्वाइन करने का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना होता है? हाँ या ना तो ठीक है। हर एक आदमी के हिसाब से और समय के हिसाब से पार्टी उसका समायोजन करती है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आपका दायित्व है पार्टी की तरफ। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से लोग विचारधारा से जुड़े हुए हैं, 18 करोड़ सदस्य हमारे, इसलिए नहीं है कि 18 करोड़ पद दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी नहीं है भाई कि जो परिवार की चाटुकारिता करेगा उसको पद मिल जाएगा, ना यहाँ चाटुकारिता करिएगा ना तो घर में बैठा दिया जाएगा, जरूरत से ज्यादा चेहरा दिखाइएगा, चमकने की कोशिश कीजिएगा बिना काम के, घर में बैठा देंगे कि आराम करो, अभी तुम्हें कुछ मानसिक शांति की जरूरत है। यहाँ पे लोग काम के लिए तरसते हैं, और जिसको काम मिलता है वो पूरे दायित्व के साथ अपना काम करता है और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, ये नहीं सोचता है कि क्या मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री हैं 52 साल की उम्र तक, 18 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था 17 साल की उम्र में, 52 साल की उम्र तक एक काउंसिलर के पद पर भी नहीं बैठे थे, राष्ट्रभक्ति के जज्बे में पूरे देश घूमते थे, परिवार छोड़ दिया था, दिन रात खपाया अपने आप को, 52 साल की उम्र तक सत्ता को चिमटे से भी नहीं छुआ, तब जाके सीधे मुख्यमंत्री बने। ये है भारतीय जनता पार्टी। ओके, एक चीज और है राव जी, और उस चीज पर भी आपको जवाब देना चाहिए। मैं आपको 2 राज्य बताता हूं और 1 सीट बताता हूं। देखिए, यूपी में अभी तक इंडिया आपका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, आप लोग 18 सीटें हैं जिस पर अभी तक अपने प्रत्याशी नहीं दे पाए। अब विरोधी ये कह रहे हैं कि आपके पास ऐसे नेता नहीं जिनको आप चुनाव लड़ा सकें। फिर आप गुजरात चले आइए, 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। आज राजस्थान में डूंगरपुर में नामांकन था, और जहां तक मेरी जानकारी है कांग्रेस पार्टी का कोई प्रत्याशी वहां नामांकन अभी तक नहीं कर पाया है। तो वाकई क्या कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे नेताओं की कमी हो गई है इस एक्सोडस और इस भगदड़ की वजह? भगदड़ भी उसकी वजह है कि आपके पास प्रत्याशी नहीं है, नेता नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए? गौरव जी, अब चूंकि इन्होंने कुछ पंक्तियां पढ़ी थी तो मुझे भी कुछ पंक्तियां याद आती है। मन मैला तन उजला, बगुला कपटी रंग, तासे तो कोवा भला, तन मन एक ही रंग। भारतीय जनता पार्टी, देखिए आप खुद ही स्वीकार दिया कि मैं खुद भी भारतीय जनता पार्टी से नहीं हूँ, देश के केरला में दिख रहे हैं आजकल लोग देख रहे जी, अब जो केरला में दिख रहे हैं बहुत कौवे आपस में, कौवे जो हैं नहीं नहीं इस स्तर पर नहीं जाते हैं अजय जी, इस स्तर पर नहीं जाते हैं, केरला में कौवे बहुत दिख रहे हैं, इस स्तर पर नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। दिन भर कौन काउ काउ करता है ये पूरा देश? नहीं अभय जी, मेरे सवाल पर रहिए, मेरा सवाल ये है कि आपके पास क्या वाकई नेता नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए? भी गौरव जी, मेरी जगह भी आप बोल लीजिए ना फिर। नहीं, आपसे आप बोलिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बता देना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी जन्म जन्मांतर तक नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते। राहुल गांधी जी नोटबंदी जैसा स्कैम आजाद भारत के इतिहास का, इतना बड़ा जिससे लोगों को लाइन में लगकर तड़पा तड़पा कर मार दिया उनके पैसों के लिए, बच्चों का इलाज नहीं कर पाए। राहुल गांधी जी 8,000 करोड़ रुपए का जो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम है, जिसमें धंधा देकर चंदा लिया, चंदा लेकर धंधा दिया, शेल कंपनियों से छापे पड़वा कर चंदा लिया, ये राहुल गांधी जी कभी नहीं कर सकते थे। राहुल गांधी जी रहते तो 12 करोड़ लोगों के रोजगार अबे जी, ओके, अब मेरे सवाल पे आते हैं, आमदनी नहीं। अबे जी, अब मेरे सवाल पे आते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के पास नेता? गौरव जी गलत बात है। नहीं नहीं सर, गलत बात क्या है, मैं सवाल पे ना लाऊं आपको? बिल्कुल नहीं गलत बात है, आपकी तरह से थोड़ी बोलूंगा मैं, मुझको जो प्रतिक्रिया देनी है पहले मैं प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा। राहुल गांधी जी कभी नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते कि अपने धन्ना सेठ को 12 लाख करोड़ की नेटवर्क कमा दे और किसान की आमदनी 27 रुपए कर दे, किसानों को जीप के नीचे रोंद कर मार दे, किसानों को पीछे से सिर में गोली मार दे, प्रधानमंत्री जी ये नहीं करते, बलात्कारियों को प्रशय नहीं देते हाथरस से लेकर उन्नाव तक, मणिपुर की हिंसा पर महिलाओं को जो हमारे सैनिकों की बहन बेटियों को नग्न घुमाया जा रहा 50 दिन मौन साधे नहीं रहते। अगर राहुल गांधी जी होते तो कश्मीर में चाहे वो राहुल भट्ट हो, चाहे वो माखनलाल बिंद्रू जो 90 के दशक में भी घाटी छोड़कर नहीं गए, उन लोगों की टारगेटेड किलिंग हो, मौन साधे रहते, ये कभी राहुल गांधी जी पाकिस्तान जी, में बिरयानी बहुत लंबा हो गया। अबे जी, मेरे सवाल पे आते हैं, मैं आपको जो सवाल पूछ रहा हूं उस पे आते हैं।
क्या कांग्रेस पार्टी के पास नेताओं की कमी हो गई है? कुछ नेता तो पार्टी टिकट वापस कर दे रहे हैं, कई जगहों पे आप टिकट अनाउंस नहीं कर पाए, दिल्ली तक में अभी आप टिकट अनाउंस नहीं कर पाए, तो ये क्या नेताओं की कमी हो गई आपके पास? आपके पास नेता नहीं चुनाव लड़ाने के लिए? भाजपा नेताओं ने टिकट वापस नहीं किए, क्या बात करते हैं? मैं बीजेपी के पास जाऊंगा अभी, इसका क्या मतलब है कि कांग्रेस बीजेपी ने वापस कर दिए तो कांग्रेस ने भी वापस कर दिए? हम दिखा रहे हैं, हम ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं कि बीजेपी ने भी वापस किए हैं, कांग्रेस ने भी वापस किए, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की रीजनिंग आप ही से तो पूछूंगा सर, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के तो है नहीं। मैंने आपको साफ कहा कि लड़ाई पूरे देश के प्रजातंत्र पर हमले की कांग्रेस पार्टी के लिए प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है, देश के लिए प्रतिकूल परिस्थिति। आज फिर आपके चैनल पर मैं प्रामाणिक रूप से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो छटपटाहट है वो बहुमत के निकट नहीं है, इसलिए तिल मिलाए हुए हैं। अब आप देखिए, आप जिन पर आरोप लगाते थे, आपने मधु कोड़ा पर आरोप लगाया, मधु कोड़ा की वाइफ को शामिल कर दिया और टिकट दे दिया वहां पर इन्होंने, या आप शिबू सोरेन की बहू को टिकट दे दिया, झारखंड खुद के है नहीं, खुद के लोग ढूंढे नहीं मिल रहे इनको, आप आरजेडी से आए हुए लोगों को टिकट तक दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में, मेरे पास लंबी फहरिस्त है, तो आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे आयातित लोगों को टिकट दे रहे हैं, क्यों प्रधानमंत्री जी? क्योंकि भयवश ये आपको सत्ता जाने का डर सता रहा है, और ये विश्वास मानिए पूरे देश के लोगों ने मानस बना रखा है। इस बार सब जगह जहां मैं जा रहा हूं वहां उत्तर प्रदेश में भी, तो चलिए उनके पास बाहरी तो है, क्या आपके पास बाहरी भी नहीं है? हमारे पास है, 1 जून तक चुनाव है गौरव जी, क्या बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हार की जल्दी है, इसलिए जल्दी तो 1 जून तक चुनाव है, उसके आगे नहीं है सर।